हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL, इट्स मी शीना। आज का हमारा नया टॉपिक है वैदिक मैथ्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। वैदिक मैथ्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम वैदिक गणित की मदद से कैसे हम न्यूमरल्स को घटाते हैं उसकी ट्रिक समझेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम कितने स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो वैदिक मैथ्स ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपको सबसे मेन चीज क्या याद रखनी है, बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्या याद रखनी है भाई? बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड। जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, मैं लिख रही हूँ बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें आप लोगों को चीजों के कॉम्प्लीमेंट, मतलब न्यूमरल्स जो होते हैं हमारे, उनके कॉम्प्लीमेंट पता होने चाहिए। जैसे कि वन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वन का कॉम्प्लीमेंट नाइन है, और नाइन का कॉम्प्लीमेंट वन है। टू का कॉम्प्लीमेंट क्या है, टू का कॉम्प्लीमेंट एट है, एट का कॉम्प्लीमेंट टू। थ्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेवन है, और सेवन का कॉम्प्लीमेंट थ्री। तो ये चीज आपको वैदिक मैथ्स में याद रखनी है। तो पूरे ही लिख लेते हैं हम, फोर का कॉम्प्लीमेंट सिक्स, और सिक्स का कॉम्प्लीमेंट फोर, फाइव का कॉम्प्लीमेंट फाइव, एंड फाइव का इस फाइव का कॉम्प्लीमेंट फाइव, मतलब फाइव का कॉम्प्लीमेंट सेम ही होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, वन का कॉम्प्लीमेंट नाइन, टू का कॉम्प्लीमेंट एट, थ्री का कॉम्प्लीमेंट सेवन, फोर का कॉम्प्लीमेंट सिक्स, एंड फाइव का कॉम्प्लीमेंट फाइव, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें वैदिक मैथ्स ऑफ सब्ट्रैक्शन में कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाउ, कैसे जरूरत पड़ेगी ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। हम पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं टू डिजिट का नंबर लेती हूँ, उससे आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आ जाएगा। पहले मैं विद बोरो वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। नॉर्मली तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है, विद बोरो, मतलब हम जो नंबर्स न्यूमरल्स दूसरे से उधार लेते हैं वो चीज, है ना। अब कैसे, पहला क्वेश्चन है हमारा 53 माइनस 28, ठीक है। थ्री के नीचे एट और फाइव के नीचे टू, ठीक है। तो हम जनरली राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व करते हैं। अब मैं इसमें एक और चीज बताऊंगी आपको, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, वो मैं विदाउट बोरो में आपको सिखा दूंगी, ठीक है। तो हम अब लेफ्ट टू राइट सॉल्व, सॉरी राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट विदाउट बोरो में सिखाऊंगी। अभी मैं विद बोरो में सिखा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट चीज भी काम आएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि ये न्यूमरल्स देखिए, थ्री के नीचे क्या है, एट है, थ्री छोटा है किससे, एट से, एट ग्रेटर देन थ्री, ठीक है। तो दैट मीन्स हम इन दोनों नंबर्स को माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमें ये करना होगा कि एट को या तो ऐसे नंबर में तब्दील करना होगा कि ये थ्री से माइनस हो जाए, या फिर हमें थ्री को ऐसे नंबर में तब्दील करना होगा जो एट से माइनस हो जाए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में समझा दिया था, लेकिन हम वैदिक मैथ में क्या करते हैं, वैदिक मैथ में हम ये कहते हैं कि ये 8 जो है ये बेस 10 का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब हम 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 8 है इसका जो बोरो है हम यहाँ लगाएंगे इधर साइड, 8 के बाद, 8 के पहले वाले नंबर 2 पे, कौन से 2 पे, जो 5 के नीचे है 2, उस पे 5 पे नहीं लगाएंगे हम। बेसिक मैथमेटिक्स में हम 5 पे लगा देते तो ये 13 हो जाता था, लेकिन हम यहाँ जो 8 है बड़ा नंबर है उसका हम बोरो वो हम 2 पे लगाएंगे, ठीक है। और ये चूंकि ये बेस 10 का है तो दैट मीन्स हम इसे 10 से माइनस कर देंगे, 8 तो 2 आ जाएगा। अब 2 ये 8 की जगह लिख दीजिए आप, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 को, पहले 3 और 8 को माइनस कर रहे थे, अब हम 3 और 2 को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, ठीक है। मैं साइड में भी लिखते जा रही हूँ, 3 प्लस 2 5। पहले हमने 10 माइनस 8 किया 2 आया, अब ये 2 को हमने 3 से प्लस कर दिया 5 आया, ठीक है। अब जो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये सॉरी हमारा जो बोरो है 8 वाला, वो 8 वाला बोरो हमारा 2 पे चला गया, ठीक है, 2 पे चला गया। तो 2 क्या हो गया, 2 प्लस 1, बोरो का वन 3, तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा भाई, 2, तो ये 2 हम लिखेंगे, ठीक है। तो इट इज द आंसर। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इससे रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं,
पहले तो थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन आप स्पीडली कर सकते हैं इसमें अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करें तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ मैं थ्री डिजिट का। ठीक है, तो 962 माइनस 538। ठीक है, इसे हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चूंकि आप लास्ट डिजिट देखिए 2 और 8, ठीक है, 2 8 मतलब वही बड़ा नंबर। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये 8 जो है बेस 10 है। ठीक है, तो जो हमारा 8 है, 8 का हम बोरो कहाँ करेंगे, 3 के ऊपर करेंगे। कौन सा वाला 3? 6 के नीचे जो 3 है वो। अब 6 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, मैं आपको बताती हूँ। 962 के नीचे लिखा है हमने 538, तो 9 के नीचे 5, 6 के नीचे 3, 2 के नीचे 8। ठीक है, हम 2 और 8 को सॉल्व कर रहे हैं, पहले वंस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वंस टेन्स हंड्रेड, पहले हम वंस वाले को सॉल्व करें, चूंकि ये छोटा है 8 से तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो हमने 8 को क्या किया, बेस 10 करके इसका बोरो हमने 3 के ऊपर लिख दिया। इसके पहले वाले नंबर कौन सा, 6 और 3, 6 और 3 को जो हम सॉल्व करते हैं वो 6 और 3 के ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, 4। अब उसे तो अभी छोड़ देते हैं, उसके बाद का मेथड है, पहले हम 8 को देखते हैं। 8 का पावर पहले हमने कन्वर्ट कर दिया 3 के ऊपर। अब ये बेस 10 है तो हम क्या करेंगे, 10 - 8 मतलब 2। ठीक है, 10 - 8 मतलब 2, तो 2 8 को हटा के 2 पुट कर दीजिए, 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 = 4। ठीक है, ये 4 हम लिख देते हैं वंस वाली जो कॉलम हमने सॉल्व की है उसके नीचे। ठीक है, अब बारी आती है टेंस वाली कॉलम की, 6 और 3, और 3 पे क्या है, बोरो है, तो 3 का बोरो मतलब 1, 3 बोरो मतलब 1, और 3 + 1 = 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करा हमने तो हमें क्या मिला, 2। तो ये लिख दीजिए आप टेंस वाली कॉलम में। ठीक है, अब क्या बचा, 9 और 5, 9 में से 5 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 4, तो हमें क्या मिला, 424। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लूंगी लास्ट में आप लोगों को, इससे आप इजीली समझ जाएंगे, बहुत इजीली। ठीक है, 7 4 1 8 4। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे हम 3 6 8 4 9। ठीक है, 74,184 में से 36,849 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो हमारी लास्ट वाली कॉलम क्या है, 4 और 9 की है, 4 छोटा नंबर है 9 से, तो उसके बाद वाली कॉलम, उसके पहले वाली कॉलम क्या है, 8 और 4। ठीक है, 4 के नीचे लाइन लिखा है, 8 के नीचे 4 लिखा है, 1 के नीचे 8, 4 के नीचे 6, 7 के नीचे 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 74,184 में से हम 36,849 को माइनस करेंगे। ठीक है, एक बार मैंने न्यूमरल्स कॉलम वाइज भी बता दिया, हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मैंने किस तरीके से लिखा है। ठीक है, और वीडियो के जरिए आप और अच्छे से समझ सकते हैं, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि ये हमारा लास्ट वाला नंबर जो है 4 और 9, 9 बड़ा है 4 से। ठीक है, तो हम वही बोरो वाला मेथड, इसके बाद इसके पहले वाला नंबर क्या, 8 और 4, तो 4 पे हम ये बोरो का डॉट लगा देंगे। ठीक है, और ये 10 से बेस 10 से 9 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 4 + 1, 4 और 9 का 4 + 1 क्या हो जाएगा भाई, 5। ये लिख दीजिए आप यहाँ। ठीक है, अब ये 4 क्या हो गया, 4 के ऊपर बोरो था तो 4 क्या हो गया, 5 हो गया। 8 में से 5 माइनस करें आप तो क्या आता है, 3। ठीक है, अब ये नंबर है 1 और 8, 8 बड़ा है 1 से तो वही बोरो लगेगा, तो 4 और 6, 6 पर बोरो लगा दीजिए आप 8 का, और 8 में से 10 गया 2, और 2 + 1 क्या होता है भाई, 3। ये डायरेक्ट कर लीजिए आप। अब 6 क्या, 6 और बोरो का 1, 7 हो गया, 7 बड़ा हो गया 4 से तो 7 वाला बोरो लग जाएगा 3 पे, क्योंकि ये 7 के नीचे 3 है, ये अगला इससे पहला वाला नंबर है जिसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो ये 3 के ऊपर बोरो लग गया, ये 7 में से 10 में से 7 गए, क्या बचता है 3, 3 + 4 = 7, और ये 7 और 3 + 4 हमारा 7 आ गया। अब लास्ट वाला न्यूमरल देखिए, कॉलम
7 और 3 पे बोरो, तो 3 पे बोरो क्या होता है भाई 4, 3 प्लस 1 4, मतलब 7 में से 4 माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 37,335। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ विदाउट बोरो कैसे सॉल्व करें, मतलब विदाउट हम डॉट लगाएं बोरो लिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो ये भी चीज आप समझ लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हेडिंग बदल लेते हैं अपना, हम अभी डॉट का यूज कर रहे थे बोरो की जगह, अब हम विदाउट बोरो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये हमारी हेडिंग है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए टू डिजिट का, 86 माइनस 64। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, बेस कॉम्प्लीमेंट सेम ही होगा हमारा बेस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं 6 में से 4 गए, क्या बचता है भाई बताइए जल्दी से, फौरन बताइए। तो हमारा क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा है 82 माइनस 64। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि विदाउट बोरो वाला क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये चीज तो आपको याद रखनी है, अगर आपको डॉट यूज नहीं करना है तो विदाउट बोरो वाला क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 82 माइनस 64 है। ठीक है, तो हम पहला नंबर 8 और 6 को माइनस करेंगे, फिर 2 एंड 4 को। जब 8 और 6 को माइनस करेंगे तो हम उसके बाद वाला नंबर भी देख लिया करें कि वो छोटा है या बड़ा है, या माइनस हो रहा है या नहीं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। पहले करते हैं 8 माइनस 6 क्या हुआ जल्दी बताइए आप, 8 माइनस 6 हुआ 2। ठीक है, 2 तो हो गया ये, लेकिन हमने जब देखा अगले नंबरों को सॉल्व करने के टाइम कि 2 और 4 को हमें माइनस करना है, 2 छोटा है 4 से, दैट मीन्स हमारा जो 8 माइनस 6 में जो आंसर आया था 2, उसे हम 1 डिक्रीज कर देंगे, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, जो हमारा 8 माइनस 6 था 2, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 डिक्रीज कर दिया 1, क्योंकि यहाँ इसके बाद वाला जो नंबर है 2 और 4 ये आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने 8 माइनस 6 का जो 2 है उसे हमने डिक्रीज करके 1 लिख दिया, मतलब एक नंबर कम करना होता है आपको, अगर उसकी जगह 3 होता तो हम 2 लिखते। ठीक है, अब क्या बचा, ये 4। ठीक है, 4 और 2, तो 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, 4 टू 6, 6 टू 4, तो 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 6 है। ठीक है, तो 4 की जगह आप लिखिए 6 और 6 प्लस 2 कर दीजिए 8। ठीक है, 6 प्लस 2 कर दीजिए आप 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18। आपका आंसर क्या आ जाएगा 18, यही आपका आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं, 64 माइनस 36। ठीक है, तो 6 के नीचे 3 है, 4 के नीचे 6 है, तो पहले वाला नंबर करेंगे हम, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते, 6 माइनस 3 3। बाद वाला नंबर देखा तो हमने ये पाया कि 4 और 6 है, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 4 छोटा है 6 से, दैट मीन्स हमारा जो 3 आया 6 में से 3 वो डिक्रीज होके 2 में हो जाएगा, एक नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, चाहे इसकी जगह 6 ही क्यों ना। ठीक है, तो हमारा 6 माइनस 3 का जो 3 आया वो डिक्रीज होके 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 6 4 और 6, अब 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 4, आपको मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट आपको याद रखने हैं, 6 का कॉम्प्लीमेंट 4 होता है। अब इस 4 से हम इस 4 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8, 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को सॉल्व करने में, ये और ज्यादा इजी है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट पता हो तो इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं।
सिक्स एट टू फोर फाइव माइनस फोर फोर नाइन एट टू, मतलब 68,245 में से आपको 44,982 माइनस करना है, मतलब 68,245 में से आपको 44,982 माइनस करना है। ठीक है, हम विदाउट बोरो वाला मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो पहली कॉलम क्या होंगी 64, दूसरी कॉलम क्या होंगी 84, मतलब 6 में से पहले हमें 4 माइनस करना है, फिर उसके बाद हमें 8 में से 4 माइनस करना है, फिर उसके बाद हमें 2 में से 9 माइनस करना है, फिर उसके बाद हमें 4 में से 8 माइनस करना है, फिर उसके बाद हमें 5 में से 2 माइनस करना है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इससे समझ लिया तो आप इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे विदाउट बोरो। ठीक है, अब 6 में से 4 हम माइनस करेंगे, पहली कॉलम है हमारी 6 में से 4 माइनस करना है, तो क्या आएगा भी 2, 6 में से 4 माइनस किया 2 आया। दूसरी कॉलम है हमारी 8 में से 4 माइनस का, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आया, लेकिन हमने जब उसके बाद वाला नंबर देखा कॉलम, दूसरी कॉलम देखी 2 और 9 की, तो 9 से छोटा है 2, तो दैट मींस हमारा 4 डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगा 3, एक नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम 9 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 9 का कॉम्प्लीमेंट 2 और 9 वाली जो कॉलम में चले गए, अब 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, तो 2 प्लस 1 3, ठीक है ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 एंड 3, ठीक है ये चीज लिखते जाइए आप नीचे भी। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने देखा 4 और 8 क्या है, 4 और 8 है, जस्ट हमने कॉम्प्लीमेंट वाला सॉल्व किया, फिर उसके बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट वाली बात आ गई, तो ये भी 8 4 से छोटा है, तो दैट मीन्स हमारा जो 3 आया था 2 प्लस 1 3, ये भी डिक्रीज होके एक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब बारी आती है 8 का कॉम्प्लीमेंट की, 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 2 होता है, तो 2 प्लस 4 6, आप 6 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या कॉलम है हमारी 5 और 2, 5 में से 2 माइनस किया 3 आया। ठीक है, तो हमारा टोटल आंसर क्या आया है भाई 23,263। ठीक है, दो नंबर हमारे डिक्रीज हो गए 4 और 3, तो 4 डिक्रीज होके 3 में हो गया और 3 डिक्रीज होके 2 में हो गया। ठीक है, एक नंबर डिक्रीज हो जाता है अगर बाद वाला नंबर छोटा हो तो, ठीक है थोड़ी सा टफ हो तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते। ठीक है, तो इससे भी आप बहुत इजीली आंसर ला सकते हैं, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप वैदिक मैथ से बहुत इजीली बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें ताकि बहुत से बच्चों को इसका लाभ पहुंचे। तो थैंक यू सो मच।